हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज अपन राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर राजस्थान की कृषि के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, राजस्थान एक भौगोलिक विविधता वाला देश है और भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% भाग स्थित है, जहां 5.67% जनसंख्या रहती है। यहां की भौगोलिक विषमताओं के बावजूद भी यहां के लोगों का जो आजीविका का मुख्य आधार है वो कृषि एवं उसके कार्यों से संबंधित है। अधिकांश जनसंख्या आज भी कृषि कार्यों में सम्मिलित है और यहाँ की जो कृषि है वो वर्षा आधारित है, इसीलिए संपूर्ण भारत के समान राजस्थान की अर्थव्यवस्था भी मूलतः कृषि पर आधारित है। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 49.53% कृषि के उपयोग में आता है, यानी कुल भौगोलिक क्षेत्र का 49.53% कृषि उपयोग में आता है। यद्यपि अन्य राज्यों की तुलना में यहाँ कृषि की आदर्श दशाएँ उपलब्ध नहीं हैं, किंतु प्रतिकूल और विविधता युक्त भौगोलिक परिस्थितियों में भी राज्य में कृषि का पर्याप्त विकास हुआ है। अनेक क्षेत्र कृषि उत्पादन में अग्रणी हो गए हैं। राजस्थान की जो कृषि है वो यहाँ की जलवायु के द्वारा नियंत्रित होती है और राज्य की जलवायु में अत्यधिक विविधता है। एक और पश्चिम में शुष्क और मरुस्थलीय प्रदेश हैं, जहाँ 25 सेमी से भी कम वर्षा होती है और इन्हीं विविधताओं के मध्य पूर्वी मैदानी प्रदेश में मध्यम जलवायु वाला क्षेत्र है। राजस्थान की इस विविधता का प्रभाव भूमि उपयोग, कृषि की उपजों के स्वरूप, उत्पादकता पर प्रत्यक्ष रूप से ही पड़ता है। इसी प्रकार उच्चावास और धरातल दूसरा प्राकृतिक जो तत्व है जो कृषि को नियंत्रित कर रहा है, यानी पहला जो प्रमुख तत्व है वो जलवायु है जो कृषि को नियंत्रित करता है, दूसरा जो धरातल है जो कृषि को नियंत्रित करता है। अरावली की पर्वत श्रेणियाँ, पश्चिमी थार में बालू का स्तूपों का विस्तार, चंबल के बीहड़ क्षेत्र आदि कृषि क्षेत्र के विस्तार में बाधक भी बने हुए हैं। मृदा की उत्पादकता में विभिन्नता, मृदा का लवणीय एवं क्षारीय होना भी कृषि को प्रभावित कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त सीमित जल की उपलब्धता कृषि उत्पादक को सीमित कर देता है। राज्य में वर्ष पर्यंत प्रवाहित नदियाँ यानी चंबल के अतिरिक्त अभाव होने से सिंचाई सुविधाओं की कमी रहती है। यद्यपि सिंचाई सुविधाओं का पर्याप्त विकास किया जा रहा है, फिर भी राज्य के विशाल क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का अभाव है और किसानों का अशिक्षित होना, पूंजी की कमी होना, कृषि यंत्रीकरण का सीमित होना, खेतों का आकार छोटा होना, निर्वाण कृषि की प्रधानता होना आदि ऐसे कारण हैं जिससे राजस्थान की कृषि आज भी पिछड़ी हुई है। यानी राजस्थान की कृषि के पिछड़ेपन के जो कारण हैं उनमें सिंचाई सुविधाओं का अभाव, किसानों का अशिक्षित होना, पूंजी की कमी होना, कृषि यंत्रीकरण जो कृषि यंत्रों की कमी होना
खेतों का आकार छोटा होना, अधिकांश कृषि है वो निर्वाण कृषि पर निर्भर है, ये ऐसे कारण है जिससे राजस्थान की कृषि पिछड़ी हुई है। स्वतंत्रता के पश्चात राज्य में कृषि विकास की ओर पर्याप्त ध्यान दिया गया है और प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही कृषि विकास की अनेक योजनाएं लागू की गई है। विगत 55 वर्षों में राजस्थान में कृषि का पर्याप्त विकास हुआ है। जैसे अपन कुछ उदाहरण से समझते हैं कि सिंचित कृषि का 11.70 लाख हेक्टेयर से 1900 और 2000 में 56.12 लाख हेक्टेयर तथा 2009-10 में 58.49 लाख हेक्टेयर हो गया है। ये बढ़कर 13-14 में 98.64 लाख हेक्टेयर अंकित किया गया है, यानी सिंचित कृषि क्षेत्र में भी इस प्रकार वृद्धि हुई है। कृषि में उर्वरकों के उपयोग में भी वृद्धि हुई है जो 0 से 8 लाख मैट्रिक टन तक हो गया है। अधिक उत्पादन देने वाली कृषि 1967-67 के पश्चात विस्तृत क्षेत्रों में की जा रही है, यानी जो हरित क्रांति आई थी उस हरित क्रांति का प्रभाव भी राजस्थान की कृषि पर पड़ा है और उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। कीटनाशकों के प्रयोग के द्वारा फसलों की रक्षा में भी प्रगति हुई है। किसानों को व्यापारिक एवं सहकारी बैंकों के द्वारा समय पर ऋण उपलब्ध भी कराया जा रहा है और कृषि में मशीनों का उपयोग में वृद्धि, विशेषकर ट्रैक्टर और उससे जुड़े कृषि उपकरणों का प्रयोग होना, ग्रामीण विद्युतीकरण होना, ग्रामीण सड़कों के जाल का विस्तार होना, कृषि उपज मंडियों का विकास जहाँ किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य उपलब्ध होता है और वे बिचौलियों और व्यापारियों की चंगुल से मुक्त होते हैं, इस प्रकार व्यवस्था की गई है। गोदामों एवं शीत भंडारों की व्यवस्था और कृषि शोध में विकास एवं किसानों के विभिन्न संचार माध्यमों की जानकारी प्रदान करना, ये इस प्रकार के कदम हैं जो राजस्थान की कृषि विकास में महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। और समय समय पर राज्य सरकार ने भी अनेक कृषि विकास की योजनाएं प्रारंभ कर कृषि को एक नई दिशा प्रदान की है, जिसके फलस्वरूप राज्य में निर्वाण कृषि के स्थान पर किसान व्यापारिक कृषि में प्रवृत्त हुए हैं और इन उपायों से खाद्यान्नों, तिलन दलन और अन्य व्यापारिक कृषि उपजों के उत्पादन में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। तो राजस्थान की कृषि के विकास के अंदर समय समय पर सरकार ने स्वतंत्रता के बाद बहुत सारे ऐसे कदम उठाए गए हैं जिससे राजस्थान के अंदर जो निर्वाण कृषि है, ज़्यादातर निर्वाण कृषि की जाती थी, उसको छोड़कर किसान हैं वो व्यापारिक कृषि करने लगे हैं, जिनके अंदर विभिन्न खाद्यान्नों, तिलन दलन और अन्य व्यापारिक उपजों की कृषि होती है और उसका उत्पादन भी निरंतर वृद्धि हो रही है। अब यदि राजस्थान में भूमि उपयोग की बात करें, भू उपयोग की, तो राजस्थान का भूमि उपयोग यहाँ की कृषि में प्रयुक्त भूमि और अन्य प्रकार के उपयोग में ली गई भूमि से संबंधित है। इससे न केवल वर्तमान में विभिन्न उपयोग में ली गई भूमि का ज्ञान होता है अपितु भविष्य के नियोजन हेतु भी इससे आधार प्राप्त होता है। यानी राजस्थान में जो भू उपयोग है, भूमि का उपयोग है, वो किस प्रकार होता है, राजस्थान राजस्व विभाग ने राजस्थान की भूमि जो उपयोग है उसको 9 वर्गों में विभाजित किया गया है।
यानी राजस्थान का जो भूमि उपयोग है उसको राजस्व विभाग ने 9 वर्गों में विभाजित किया गया है। ये जो 9 वर्गों में जो आंकड़े हैं वो दो कृषि के आंकड़े वर्ष 2015 और 16 के हैं, यानी कि इसके पश्चात कोई नए आंकड़े अभी जारी नहीं हुए हैं। वर्ष 15 और 16 के आंकड़ों के अनुसार यदि राजस्थान का भूमि वर्गीकरण देखा जाए तो सबसे पहले हैं वो शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र, शुद्ध बोया गया क्षेत्र को अपन यानी कि नीवल कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। नीवल कृषि क्षेत्र, शुद्ध बोया गया या नीवल कृषि क्षेत्र का मतलब होता है कि जहाँ एक वर्ष में फसल बोई जाती है और काटी जाती है, एक वर्ष में जहाँ फसल को बोई जाती है और काटी जाती है उसको शुद्ध बोया गया क्षेत्र या नीवल कृषि क्षेत्र कहते हैं। राजस्थान में कुल क्षेत्रफल का यानी लगभग 52.7% भाग पर शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, यानी 52.7% भाग पर यानी फसलें बोई जाती है और काटी जाती है। दूसरा आता है चालू प्रति भूमि। चालू प्रति भूमि को मैं वर्तमान प्रति भूमि भी कह सकता हूँ। वर्तमान प्रति भूमि, ये जो वर्तमान प्रति भूमि होती है ये क्या होती है कि यदि किसान के पास में कोई खेत होता है उस खेत को वो चार भाग में बांट देता है। ये नंबर एक है, ये दो, ये तीन और ये चार। इस तीन यानी कि भाग पर तो वो खेती करता है और ये एक भाग है वो एक साल के लिए क्या छोड़ देता है, प्रति यानी परत छोड़ देता है, खाली छोड़ देता है। इसको अपन यानी कि चालू प्रति भूमि या वर्तमान प्रति भूमि कहते हैं, जो यानी कि किसान एक वर्ष के लिए प्रति छोड़ी जाती है। तो राजस्थान में जो प्रति भूमि का प्रतिशत है वो 4.39% है। और दूसरी जो होती है पुरातन प्रति भूमि, ये वर्तमान प्रति भूमि है या चालू प्रति भूमि है। पुरातन प्रति भूमि में क्या होता है कि ऐसी भूमि जिसको 2 से 5 वर्ष के लिए परत छोड़ा जाता है या प्रति छोड़ा जाता है उसको पुरातन प्रति भूमि कहते हैं। पुरातन प्रति भूमि जिसको 2 से 5 वर्ष के बीच में परत छोड़ा जाता है। अन्य प्रति भूमि, तो अन्य प्रति भूमि के अंदर यानी पुरातन प्रति भूमि भी आती है और ये राजस्थान के अंदर 5.39% है। कृषि नेक्स्ट जो है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि का अर्थ क्या होता है कि ऐसी भूमि जिसको कृषि के लिए योग्य बनाया जा सकता है। ये कृषि के लिए योग्य तो है, इसका उपयोग कृषि के लिए किया जा सकता है, लेकिन वर्तमान में कैसी पड़ी है, व्यर्थ भूमि पड़ी है, उसका उपयोग कृषि के लिए नहीं हो रहा है। लेकिन उसमें उर्वरक डाल करके कुछ समतल करके इसका उपयोग कृषि कार्यों में किया जा सकता है, या इसको यूं कहें कि ये वर्तमान में बंजर है और इसको कृषि के योग्य विभिन्न विधियों के द्वारा बनाया जा सकता है, उसको कहते हैं कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। ये राजस्थान में 11.37% भाग पर कृषि योग्य व्यर्थ भूमि है। नेक्स्ट जो वृक्ष और उपवन भूमि है, मित्रों ये जो विभिन्न यानी कि गार्डन है, नर्सरियां है या और भी जितने भी उद्यान वगैरह है, निजी है या सार्वजनिक है या सहकारी क्षेत्र के हैं, ये जितने भी उद्यानों से संबंधित वृक्ष और उपवन जो होते हैं उस भूमि को अपन वृक्ष उपवन भूमि कहते हैं। ये मात्र 0.07% पर स्थित है। नेक्स्ट जो होती है स्थाई चरागाह भूमि।
स्थाई चरागाह जो भूमि है इसको दूसरी भाषा के अंदर यानी कि गोचर भूमि भी कहते हैं। गोचर भूमि, स्थाई चरागाह भूमि को गोचर भूमि को या इसको साझा संपत्ति भी कहते हैं। साझा संपत्ति, ये जो साझा संपत्ति है या गोचर भूमि है या स्थाई चरागाह भूमि है ये राजस्थान के अंदर 4.94% भाग पर है या 4.94% है। और इस स्थाई चरागाह भूमि को दूसरे नाम से यानी कि ओरण नाम से भी जाना जाता है। ओरण, ये जो ओरण है इसके अंदर इसमें गांव के ग्राम पंचायत लेवल पर ऐसी भूमि होती है जिस पर सभी समुदाय का समान अधिकार होता है और कोई भी वहां यानी कि पशुओं का चराने का, लकड़ी काटने का, ईंधन लेने का अधिकार रखता है और इस प्रकार की भूमि को स्थाई चरागाह भूमि कहते हैं या गोचर भूमि कहते हैं या साझा संपत्ति कहते हैं। इस भूमि का उपयोग यानी कि स्थाई चरागाह के अलावा सार्वजनिक यानी कि निर्माण के लिए भी किया जा सकता है। नेक्स्ट जो है बंजर एवं व्यर्थ भूमि, ये जो बंजर एवं व्यर्थ भूमि होती है ये राजस्थान के अंदर 6.99% भाग में पाई जाती है। 6.99% भाग में है। और बंजर और व्यर्थ भूमि का मतलब होता है कि ऐसी भूमि जिसका उपयोग कृषि के लिए नहीं किया जा सकता है, किसी भी कंडीशन में यहाँ कृषि नहीं की जा सकती है या इसको कृषि के लिए यानी कि तैयार नहीं किया जा सकता है या कृषि योग्य भूमि नहीं बनाई जा सकती है। ऐसी भूमियाँ कहाँ पे होती है, जैसे कोई पहाड़ी क्षेत्र है, अगर पहाड़ी क्षेत्र है या कोई ढलान वाला क्षेत्र है या कोई खनन क्षेत्र है, खनन क्षेत्र, यदि कोई खनन क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र या ऊबड़ खाबड़ खड्डे वालों जा जो जो क्षेत्र है जहाँ ना तो आवास होते हैं ना कृषि होती है और इस प्रकार की जो भूमि होती है जो बिना काम की पड़ी रहती है उसको अपन बंजर एवं व्यर्थ भूमि के नाम से जाना जाता है। ये राजस्थान में कुल क्षेत्रफल की कितनी है, 6.99%। और दूसरी है अकृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, अकृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, इसको दूसरा नाम है गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि। गैर कृषि, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त जो भूमि है ये ऐसी भूमि होती है जिसका उपयोग तो किया जाता है लेकिन कृषि कार्यों में नहीं किया जाता है। कृषि कार्यों को छोड़कर गैर कृषि कार्यों में, जैसे गैर कृषि कार्यों का मतलब उद्योग के क्षेत्र के अंदर है, किसी सार्वजनिक निर्माण के क्षेत्र में है या अन्य जो यातायात से संबंधित यानी कि अंतर्गत जो भूमि आती है, तो उद्योग है, खनन है और जो महानगरों के आसपास यानी कि जो भूमि होती है, जो नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत जो भूमि होती है, जो आवास के लिए जो भूमि होती है और इसके अलावा सार्वजनिक निर्माण से संबंधित जितने कार्य है उससे प्रयुक्त में जो भूमि होती है, कृषि कार्यों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में जो भूमि प्रयोग में की जाती है उसको गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि कहते हैं। और इसमें नगर, महानगर और कस्बे क्षेत्रों में प्रयुक्त जो भूमि है, औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि, यातायात क्षेत्रों में भूमि, रेल लाइन वगैरह, एयरपोर्ट्स, सारी जगहों में या आवासीय क्षेत्र है उसको अपन गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि के नाम से जाना जाता है। और ये राजस्थान में 5.57% है अर्थात 5.57% में स्थित है। और तीसरी है वन भूमि, नेक्स्ट लास्ट है जो वन भूमि है यानी वन क्षेत्र के अंतर्गत जो भूमि आती है उसमें वृक्षाच्छादन और वनावरण दोनों शामिल है उसको वन भूमि के नाम से जाना जाता है।
जो राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में दर्ज होती है और इसका राजस्थान में प्रतिशत है 8.03%। ये राजस्थान के भू उपयोग का वर्गीकरण था जिसको 9 वर्गों में विभाजित किया गया है और इन वर्गों के अंदर हर वर्ष इसके उपयोग में जो बदलाव आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। अब परिवर्तन क्या आ रहा है कि जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र है या शुद्ध बोया गया क्षेत्र के अंतर्गत जो भूमि आती है, नीवल कृषि क्षेत्र की जो भूमि आती है उसका प्रतिशत कम हो रहा है और गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त जो भूमि है उसमें वृद्धि हो रही है। ये वृद्धि क्यों हो रही है, इसका रीजन है कि दिनों दिन बढ़ती जनसंख्या, नगरीकरण और औद्योगिकरण की वजह से जो नीवल कृषि क्षेत्र है उनका एरिया कम होता जा रहा है और गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त जो भूमि है जिसमें नगरीकरण औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित भूमि आती है उसका क्षेत्र बढ़ता ही जा रहा है। इसके अलावा जो अतिक्रमण की वजह से स्थायी चरागाह जो भूमि है उनमें भी कमी आ रही है और कृषि योग्य जो व्यर्थ भूमि है उसमें वृद्धि हो रही है। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में क्यों वृद्धि हो रही है, क्योंकि जो कृषि योग्य भूमि थी उसको विभिन्न तरीके अपनाकर कृषि के लिए योग्य बनाया जा रहा है और चालू परत भूमि है इसमें भी यानी कि कमी देखने को मिलती है क्योंकि खेतों के आकार छोटे होते जा रहे हैं और परत भूमि बहुत कम रखी जा रही है। तो इनमें से यानी जो गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि है, स्थायी चरागाह की जो वो भूमि है और अन्य यानी कि जो बंजर कृषि व्यर्थ भूमि है इन यानी कि भूमि के अंदर वृद्धि हो रही है, कृषि योग्य भूमि में भी वृद्धि हो रही है जबकि नीवल कृषि क्षेत्र में कमी हो रही है, चालू परती भूमि में भी कमी हो रही है, अन्य परती भूमि में भी कमी हो रही है और वन भूमि में भी कमी हो रही है। इन सब के लिए जो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ है वो जिम्मेदार है, उसमें जो बदलाव आ रहा है वो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार माना गया है।